लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमें जनता से जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते हमने एक नया निर्णय लिया है कि आज से मार्केट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे और वो भी अल्टरनेट डेज पर। कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सूचना जिला कलेक्टर चेतन गावड़े ने चित्तौड़गढ़ की जनता को दी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमें जनता से जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हमने एक नया निर्णय लिया है कि आज से मार्केट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे और वो भी अल्टरनेट डेज पर। डोर टू डोर जो व्यवस्था हमने की हुई है, फल, सब्जी, मेडिकल, किराना, दूध, इसको इससे मुक्त रखा गया है, वो डेली पूरे टाइम तक चलेगी। होम डिलीवरी होगी, उसके नंबर हमने पहले ही बता रखे हैं, यह पूरे टाइम तक खुलेगा। गरीबों को कच्ची सामग्री वितरण व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने बताया कि शहर में कच्ची व पक्की खाने की जो सामग्री है उनमें भामाशाहों का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने समन्वय रखकर पूरे शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन लोगों को आवंटित किया है और सर्वे का काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा। हमने भी लोकल लेवल पर कुछ राशन सामग्री के किट वितरण किए हैं। देखिए, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जनता से हमें जितना अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए, हमारे बहुत बार उनसे अपील करने के बाद में और बहुत बार मीडिया के माध्यम से भी प्रचार करने के बाद में भी उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा जितना हमें मिलना चाहिए। हमने कल से एक नई व्यवस्था लागू करी है। कल से मार्केट जो है वो सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेगा, अल्टरनेट डे खुलेगा, पर जो डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था जो हम लोगों ने कर रखी है, जैसे दूध है, सब्जी और फल है और किराना की जो हम डोर टू डोर कर रहे हैं, वो उसको इससे मुक्त रखा गया है, वो डेली पूरे टाइम तक चलेगी। इसी तरह मेडिकल स्टोर में भी इस टाइम के बाद जो है होम डिलीवरी होगी, उसके नंबर हमने पहले ही बता रखे हैं, और ये भी डेली खुलेगा, ये भी अल्टरनेट डे नहीं खुलेगा। इसका मतलब हो गया दूध, फल, सब्जी, डोर टू डोर सप्लाई करने वाले सारे हमारी जो व्यवस्थाएं वो, प्लस मेडिकल की शॉप, ये अल्टरनेट डे नहीं खुल के डेली खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज, चित्तौड़गढ़।